हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं सिटेज चैनल। इस चैनल पे सीएनसी ट्रेनिंग एंड मिलिंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड होता है। तो चलिए आज का टॉपिक देखते हैं। आज का टॉपिक है सर्कुलर इंटरपोलेशन G02 और G03। G02 क्लॉकवाइज इंटरपोलेशन और G03 एंटी क्लॉकवाइज इंटरपोलेशन, ये हमारे सीएनसी बीएमसी में दोनों में सेम काम करता है, ठीक है। तो चलिए, ये जब कटिंग करेगा तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कटिंग करेगा। मान लीजिए कोई सर्कल में पॉकेट बनाना है तो उसके लिए भी G02 G03 का यूज करते हैं, ठीक है। या रेडियस बनाना है, चैम्फर सॉरी रेडियस हुआ, तो ये सब G02 G03 में इसे G02 G03 सर्कुलर इंटरपोलेशन। इसमें आपको जितने भी फॉर्मेट होते हैं, G02 में क्या फॉर्मेट होता है प्रोग्राम बनाने के, G03 में क्या फॉर्मेट होता है प्रोग्राम बनाने के, तो मैं आपको बताऊंगा। और इस G02 और G03 का मैं लाइव वीडियो आपको मैं दिखाऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। चलिए आज हम बात करेंगे सर्कुलर इंटरपोलेशन का, ठीक है। तो चलिए मैं टॉपिक चलता हूँ। तो हमारा था आई जे के, ठीक है। तो आपको पहले मैं समझा दूँ कोऑर्डिनेट। देखिए, जैसे एक्स वाई जेड होता है वैसे ही इसका भी होता है एक्स। तो ये हमारा होता है आई प्लस, ये होता है I माइनस, ये होता है J प्लस, ये होता है J माइनस, ओके। ये हमारा 0 0 होता है। इसके अकॉर्डिंग ही हम आई जे का वैल्यू डालते हैं। तो चलिए एक छोटा सा ड्राइंग बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग देखते हैं प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो बना रहा हूँ, 2 मिनट टाइम लगेगा। एक आर्क बनाएंगे यहां से यहां, ठीक है जी। तो इसमें देखेंगे कि कितना टाइम लग रहा है। मान लीजिए 10 है, ये 40 है और ये 60 है, ये हमारा 20 है, ये हमारा 50 है, ठीक है। इसी तरह तो एक यहाँ 10 भी मान लेते हैं, कोई दिक्कत ना, ठीक है। 10 20 30 40 50, ठीक है। तो ये आर्क है, इसे ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं, इसे स्टार्ट पॉइंट मान लेते हैं, पॉइंट ऐसे एंड पॉइंट, यानी अब हमारा पता हो गया कि ये हमारा इस तरह से चलेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अब ये हमारा डायरेक्शन कौन सा हो गया। देखिए, इसमें ये तो हमारा क्लॉकवाइज था और ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज था, यानी ये हमारा G02 था और ये G03 था, ऐसे ही था ना। तो अब हमारा ये किस डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी G03 में ये प्रोग्राम बनेगा, ठीक है। तो देखिए होता क्या है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। ये हमारा आर्क लाइन हो सकता है, ये हमारा आर्क लाइन है, ठीक है। इसे आर्क सेंटर बोल सकते हैं, CNTER, ठीक है। आर्क सेंटर, ये हमारा आर्क सेंटर है, यहां से स्टार्ट हो रहा है, इधर घूमेगा। ऐसे नहीं होता ऐसे घुमाते हैं, वैसे ही है। यहां से सेंटर ले लिया मान लीजिए, ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो हमारा
ये पॉइंट होगा। इसमें वाई क्या होता है, ये हमारा वाई है और ये एक्स है, ठीक है। तो इसमें जो वाई होगा ये जे के काम करेगा। तो क्या होता है वाई में, देखिए बता रहे हैं, ये एक सर्कल है, ठीक है। इसमें एक केंद्र है, सेंटर है, वहां से अगर हम एक्स में कुछ भी चलते हैं तो ये हमारा आई होगा, ठीक है। वाई में चलते हैं तो ये हमारा जे होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा, और ये हमारा आई हो जाएगा, ठीक है जी। ये हमारा सेंटर है। अब हम प्रोग्राम बनाते हैं, देखिए कैसे बनाते हैं। अब मान लीजिए जो कूलेंट ऑन ऑफ होम पोजीशन है ये तो छोड़ देंगे, ठीक है। डायरेक्ट देखते हैं इसमें कैसे बनेगा। पहले J0 J90, ओके। उसके बाद ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, इसलिए G03, ठीक। अब देखिए हमें स्टार्ट कहाँ से, हमें रोकना कहाँ है, मशीन को मान लीजिए घुमा रहे हैं तो कहीं एंड तो होगा, स्टार्ट तो यहां से हुआ, एंड हुआ, एंड पहले रुकते कहाँ उसको डालेंगे, रुक कहाँ रहा है हमारा X20 और Y60 डाल देंगे, X20 Y60, इसलिए रोकना है वहां पे, नहीं रुकेंगे तो 180 घूम जाएगा IJK में, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे रुकना है, स्टार्ट कहाँ से करना है, मशीन को क्या देंगे। देखिए अगर यहाँ प्रोग्राम ये 00 बन रहा है, इधर जाता तो मान लीजिए आई है तो ये आई इधर माइनस में हो जाता और जे इधर माइनस में हो जाता, तो ये हमारा क्या है, दोनों प्लस में है, ठीक है। तो ये जब दोनों प्लस में तो यहाँ क्या हो जाएगा, अभी इधर थोड़ा देखिए आई कितना है, 10 इधर छोड़ दीजिए तो यहां से यहां कितना बच रहा है, 40, और जे जगह कम हो रहा, जे इधर ये कितना बच रहा है, 10 20 10, 30 बच रहा है, और एप डाल देंगे इसके साथ फिर 100। इसका फॉर्मेट लिख दे रहा हूं आपको, G90 G03 XYIJF, यहां वैल्यू फिलअप कर दिया जाता है, ये इसका फॉर्मेट होता है। G0G91 में भी इसको बना सकते हैं और G02 में भी बना सकते हैं, ये हमारा सेम रहेगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो स्टार्टिंग के वैल्यू IJK में डाल देंगे, IJ में, और जो हमारा जहां वहां रुकना है वहां X और Y की वैल्यू डाल देंगे तो हमारा अर्थ बन जाएगा, ठीक है। और K का होता है तो K हमारा Z यानी डेप्थ के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ये Z है, Z हमारा डेप्थ के लिए यूज करते हैं, K का वैल्यू, ठीक है। तो चलिए एक XY में भी देखते हैं रेडियस में कैसे होता है, ठीक है। तो रेडियस में देखते हैं, तो रेडियस के लिए एक और ड्राइंग बनाते हैं, उसमें समझते हैं। सेम ऐसे बना दिए, यहां पे भी एक आर्क बनाते हैं ऐसे, ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यहां पे एंड, यहां से स्टार्ट, ठीक है जी, स्टार्ट यहां से हो रहा है, एंड यहां हो रहा है, सेम है, लेकिन इसमें रेडियस दे रखा है, ये रेडियस R30 दे रखा है, ये R30 के रेडियस पे बन रहा है। तो देखिए सॉरी, ये A हो गया, ये B हो गया, इंड पॉइंट मान लेते हैं इसे, ठीक है।
इसे स्टार्ट पॉइंट है। ओके, ये इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। ये हमारा है 20, ये हमारा 50, सेम बना रहा है 60, ये 40, ये हमारा यहाँ एक्स जीरो वाई जीरो, ठीक। एक्स है, ये वाई है, ये रेडियस, ये आई जी क्यूम नहीं, इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, हमें स्टार्ट हो चुका था, एंड करना था। स्टार्ट इस पोजीशन पर ला देंगे मशीन को, और एंड के वैल्यू इसमें डालेंगे, ठीक है। एंड कहाँ हो रहा है, एक्स 20, वाई 60, और रेडियस कितना आ गया 30 का, फीड मान लीजिए 100 डाल दिए, इसके अकॉर्डिंग ये घूम के आ जाएगा, ठीक है। अगर G02 में बनता तो स्टार्ट पॉइंट ये होता और एंड पॉइंट ये होता। तो चलिए हम आगे एक देखते हैं G02 में कैसे बनेगा। चलिए देखते हैं G02 में, एक ड्राइंग क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसमें ठीक है एक रेडियस बनाते हैं, बड़ा सा बनाते हैं, इसमें सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए ये रेडियस रेडियस है आर 50 है, डन। और ये हमारा क्या, यहाँ एक्स 00 है, ये एक्स है, ये हमारा 20 है, और ये हमारा 70 है, ये हमारा 20 है, और ये हमारा 70 है, ठीक है। ये हमारा स्टार्ट है, स्टार्ट है, ये हमारा एंड है, पॉइंट है, डन। देखिए इसमें अब घुमाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। इसमें अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे, तो इसमें क्या करेंगे कि देखिए इसे कैसे बनाएंगे, देखते रहिए। यहाँ एक्स जीरो वाई जीरो है, ठीक है। चलिए इसका प्रोम बनाते हैं, इसका प्रोम बनाएंगे G90, फॉर्मेट लिख देगा G02X डैश डैश वाई डैश डैश, और इसमें R डैश डैश और F, सेम फॉर्मेट होता है, कोई ज्यादा इशू नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए ये बन गया। अब देखिए अब क्या करेंगे कि इसमें क्लॉकवाइज घूम रहा है। अभी देखिए ये हमारा रेडियस जब ज्यादा डालते हैं तो क्या होता है, जब हम रेडियस डालेंगे तो सेंटर से ये इतना, अगर एक बार रेडियस डालते हैं तो 180 ही चल के रुक जाता है, अगर दोबारा चलाना होता तो ये हमारा माइनस में आएगा, ठीक है। तो देखिए हमारा रेडियस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और कुछ ऐसे आके यहाँ पे रुक रहा है, ठीक है। तो ये हमारा माइनस में आकर रुक रहा है, तो देखिए कैसे होगा, जो हमारी रीडिंग है तो प्लस में है, बट जब रेडियस हमारा ये घूम कर आ रहा है, यहाँ से मान लीजिए इस पॉइंट से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस तरह से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ के बाद यहाँ के रुक रहा है, तो क्या करेंगे, यहाँ रुक रहा है, तो देखिए ये एक्स कितना हो जाएगा, एक्स हमारा एक्स 20, सॉरी रोकना यहाँ है ना, एक्स 70, और वाई कितना हो रहा है, वाई हमारा 20 हो रहा है, एक्स 70 हो रहा है, वाई 20, यानी इस पॉइंट पे हमें रोकना है, और रेडियस कितना है माइनस 50, और फीड कितना 100, ठीक है। इसी तरह होता है। तो चलिए नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा पूरे अच्छे से आपको मैं प्रैक्टिकली मैं समझाऊंगा, थ्योरी तो मतलब आप समझ गए कैसे होता है, बट आपको बहुत क्लियर कर दूंगा प्रैक्टिकल वीडियो में, तो देखते रहिए। और इस पे कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स।